हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गन्ना में से कितना जूस निकलता है। तो उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, गन्ना में कितना जूस निकलता है वो उसकी कंडीशन और वैरायटी पर आधारित रहता है। तो हमने जो गन्ना सिलेक्ट किया है वो एवरेज गन्ना है। तो आपको उसमें से जो जूस निकलेगा, जो परसेंटेज हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें आगे पीछे होने की संभावना होती है। हम आपको जो दिखाएंगे वो आप वहीं पर आपके यहाँ टेस्ट करेंगे, तो कंडीशन और वेराइटी के आधार आपको जूस निकलेगा। तो अबाउट हमने जो बताया है उसके आगे पीछे निकलेगा जूस। तो हमारा मकसद है आपको कितना जूस निकलता है वो आपको एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि भाई इतना जूस में निकलेगा। तो आइए उसका हम वीडियो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 किलोग्राम गन्ना है हमारे पास, उसका हम पहले वेट करेंगे। थ्री किलोग्राम नॉर्मली 19 ग्राम है। ये गन्ना आप देख सकते हैं, एवरेज गन्ना है। ये कोई पतला है, कोई मीडियम है। तो हमारा 3 किलोग्राम गन्ने का जूस निकल गया है। तो आज हम गन्ने का जूस का भी वेट करेंगे और छिलके का और दोनों का वेट करेंगे। तो पहले हम जग का वेट जीरो करते हैं। ये हो गया जीरो। तो जूस का वेट 1 किलो 980 ग्राम। अब हम छिलका का भी साथ में वेट करेंगे। तो छिलका का वेट 1 किलो 93 ग्राम है और जग का वेट 99 ग्राम साथ में है। तो दोनों का मिला के वेट 3 किलो 23 ग्राम हो गया। ऑलमोस्ट सेम वजन बाद में भी आ गया। दोस्तों, जो अभी हमने जूस निकाला वो जो हम कंडीशन की बात कर रहे थे, तो उसमें जो गन्ना हमने लिया था वो फ्रेश गन्ना था। तो जो 66% जूस निकला है तो एक कंडीशन पर एक उसका एक हिस्सा होता है कंडीशन का भी, तो उसमें आप सामने आया है। हमारे दूसरे वीडियो में भी हमने जूस निकाला है तो उसमें भी परसेंटेज डिफरेंट मिलते हैं। 61% से 66-67 और कंडीशन और साइज़ में जो फर्क रहता है तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो हमने देखा ऑलमोस्ट 3 किलोग्राम, उसमें नॉर्मली 20 ग्राम था, तो वो भी आपने वेट होना को दिखाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।